भोपाल से खबर है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। एमपी के स्कूल और कॉलेजों में अब भगवान राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें, भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। राम और कृष्ण पथ गमन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी में रफ्तार पकड़ेगा राम वनगमन पथ, और दोनों ही पथ गमन के काम जो है वो एमपी सरकार ने हाथ में लिए हैं। तीर्थ स्थल विकसित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी टिप्पणी, बड़ा बयान सामने आया है। तो अब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो अब पाठ्यक्रमों का हिस्सा होंगी। और इसको लेकर उन्होंने राम वनगमन पथ को लेकर भी बयान दिया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। तीर्थ स्थल भी विकसित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग का जो कार्यक्रम बेटा के भैया, वो शाम को होगी ना, 4 बजे मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पद गमन, श्री कृष्ण पद गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पर गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो जो भी उपलब्धियां हैं, उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। और खबर भर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है राम पथ गमन को लेकर भी, और साथ ही अब भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र अब पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होंगे। बताइए, क्या कुछ अपडेट, क्या बड़ी बातें इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए पवन, बात की जाए तो शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री धार्मिक एवं संस्कृति विभाग की एक बैठक लेंगे, और उसी बैठक को लेकर उनकी तरफ से सवाल, मीडिया की तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा। तो उसकी उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आने वाले समय में जो सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही, चाहे हम राम पथ वन गमन की बात करें या भगवान कृष्ण की बात करें या फिर जितने भी धार्मिक स्थल है जहां जिसको लेकर पर्यटन स्थल में तब्दील करने की सरकार की योजना है, वहां को लेकर समीक्षा की जाएगी। और इसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा में भी, और हम बात करें जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर भी बात करें, पहली से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक की बात करें, उसमें भी बात करें, प्राइमरी शिक्षा में भी बात करें, तो वहां पर भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, दोनों के बारे में बताया जाएगा, उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा, उनके आदर्शों के बारे में बताया जाएगा। कोशिश यही है, तमाम बच्चों को यह जानकारी देने की कोशिश यह है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि उन भगवान राम और इसके साथ साथ भगवान कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। इसके साथ साथ एक जानकारी हमारे दर्शकों को और दे दे, 3 दिन पहले एक फैसला और लिया गया था उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसके अंदर यह जानकारी दी गई थी, चाहे रामायण की बात करें, वेद की बात करें, पुराण की बात करें, वो भी पढ़ाया जाएगा। यानी एक तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म से जितने भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो बच्चों को पढ़ाया जाए, इतिहास के बारे में बताया जाए। लेकिन अब इस मसले पर विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया था कि वेद पुराण पढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ सनातन धर्म क्यों, हमारा देश सेक्युलर देश है, तो यहां पर चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, इनकी तमाम जितने भी मुख्य चीजें हैं उसको भी, उनको भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी सब धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ एक धर्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया जा चुका है, मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं, अब देखना होगा कब यह फैसला जमीन पर लागू होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।